सो देखिए वे टू दी असाले वाटरफॉल्स खारबानी ये दिया गया है बोट, ठीक है। तो इस बोट को फॉलो करते हुए इस ये जो नैरो लेन है यहाँ से जा पाएंगे आप। बट प्रॉब्लम इज थोड़ी दूर यहाँ से करीबन 200 मीटर्स आगे जाते ही ये मेटल रोड जो है वो फिनिश हो जाती है एंड स्टार्ट हो जाता है यहाँ का कच्चा रोड, ठीक है। और कच्चा रोड जो है इट्स डैम ऑफ रोडिंग, ठीक है। सो गाइस अभी फ़िलहाल हमने वाटरफॉल के लिए जो वे ले लिए, यहाँ आने के बाद हमने ये एक गोडाउन कहते हैं, यहाँ हमने बाइक प्लेस कर दी अपनी एंड यहाँ कुछ हमें बहुत अच्छे अच्छे वंडरफुल ब्रदर्स मिले हैं, भाई मिले, इन्होंने काफ़ी हमको इन्फॉर्मेशन शेयर किया है यहाँ। सो ऐसे है यहाँ के रोड, ठीक है। यहाँ के लोकल लड़के बता रहे थे कि हाफ एन आवर में पहुँच जाएंगे, तो हमको चले हुए करीबन 15 मिनट तो हो चुका है ऑलरेडी, तो हो सकता है कि आने वाले 15 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। और आपको एक चीज़ मज़ेदार चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आया था मैं जूते पर अभी मैं पहनाऊँ चप्पल, देखिए चप्पल मैंने यहाँ पर चप्पल खरीद लिया है एक्चुअली। गाड़ी के लिए रोड बनाते हुए काफ़ी ऑफ रोड है यहाँ पर। हाँ तो आपने देखा कितने मेहनत से बेचारे गाड़ी निकाल के लेके जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है यार। इसीलिए हम लोग 20 साल साथी ले के भन्न चाहनुहुन्छ अरे हो अन्त न्यू एक्सपिरियन्स होइन, अब गरम ठन्डा केही नहेरिकन हाम्रो एउटा डेस्टिनी छ त्यहाँ पुग्ने छ। तर जेसिकस गाउँ घरमा चाहिँ यही हो क्या, टिम वर्क चाहिँ दामी हुन्छ, टिम वर्क दामी हुन्छ है। हो पछाडि गाडी रोकिरहेको छ उसलाई मतलब छैन, उसले 2 घन्टा लाग्यो नि उसले होल्ड गरेर भए पनि ल्याउँछ, द्याट्स द एक्सपिरियन्स क्या, मजा आउँदैछ अहिलेसम्म त। अनि एज अफ नाउ अनि टाइम अपडेट चाहिँ भनौँ भने हामी इट्स 12:45 भयो, 11:45 हामी हिँडेको लगभग 11:30 हिँडेको होला अफ रोड जहाँ हामीले त्यहाँ स्कुटी र बाइक चाहिँ पार्क गरेर। तर जस वान टाइम चाहिँ भिजिट हो, आउनुपर्छ यहाँ चाहिँ एकचोटि टाढो हामी किन जानु, अनि हो आफ्नो घरको छेउमै रहेछ, अनि होइन नयाँ नयाँ ठाउँ नयाँ एक्सप्लोर राइट, त्यही माथि हामी बोर्डर एरियामा छौँ, अब उतापट्टिको पहाड सबै नेपाल अरे, यता हामी इन्डिया, हाम्रो इन्डिया, हाम्रो देश, हाम्रो देश। जस्तै फर इक्जाम्पल म यहाँ खडा हुँ, म अभी इन्डियामै हुँ। हाँ, और ये आप जो देख रहे हो ये नेपाल है, ठीक है। और गाइस आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा और उसके बारे में बताना भी चाहूँगा, पहाड़ों में जब हम आते हैं तभी ज़्यादातर चाय बागान पे, ठीक है, 30 स्टेट्स पे, तो आपको हर चाय बागान की एक दो मोड़ पे ऐसा छोटा घर दिखता होगा। यहाँ पर एक्चुअली जो चाय की पत्तियाँ जो प्लक की जाती है ना उसको यहाँ ला के रखते और वजन किया जाता है, ठीक है। तो इसको गोडाउन भी कहते हैं और एक्चुअली एक प्रकार एक देखा जाए तो एक तरह का ये रेस्टिंग भी है, रेस्ट जहाँ पर बैठ के आराम कर सकते हैं। सो गाइस वी आर अबाउट टू रीच वाटरफॉल, अभी आप देख रहे हो ये है असल वाटरफॉल जो दिख रहा है यहाँ से, ओके अभी दिल्ली दूर है। हाँ तो ये जो प्लांट दिख रहा है आपको ऊपर ये दिस वन ये है बड़ी इलायची की प्लांट, और ये बड़ी इलायची की जो फार्मिंग है चारों तरफ है यहाँ पर, ये मेरे पीछे भी यहाँ पर भी है, इस ये बड़ी इलायची की, और ये इलायची कहाँ होती है, इलायची होती है जड़ों में। गाइस अभी मैं आपको पैन मोड में दिखाना चाहूँगा वाटरफॉल से पहले का प्लेस, देखिए अभी फ़िलहाल इस छोटी सी पगडंडी है और
पुनारो लेन। इसको पकड़ते हुए हमको जाना है ऊपर, ठीक है, वाटरफॉल के सोर्स पे पहुँचने, वाटरफॉल पे पहुँचने के लिए। और हम खुशनसीब है कि आज का दिन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी धूप खिली है। वैसे धूप पे क्या है कि जो कहने के लीचेस, हाँ, ये नहीं रहते। तो पिछले घंटे से चल रहे हम लोग और टाइम अपडेट, इट इज़ नाउ 12:40, 12:40 हो चुका है। सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जाना है ऊपर। गाइस, स्टिल अभी वाटरफॉल पहुंचा नहीं हूँ, मेरे ठीक पीछे वाटरफॉल है। एंड यहाँ तक की जर्नी यार बहुत ही स्ट्रेसफुल है। जैसे कि यहाँ के लोकल पीपल कहते हैं कि आप 1 घंटे में पहुँच जाओगे, ये कतई पॉसिबल नहीं है अगर आपको आदत नहीं है ऐसे ऑफ रोड टेरेस पे पैदल चलने की। मैं करीबन लास्ट स्टॉप से यहाँ तक अभी कम से कम 6 से 7 बार होल्ड कर चुका हूँ। एक तो यहाँ पर रोड नहीं है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, पत्थर के ऊपर चलना पड़ता है। एंड दैट इवन से स्टिप है, खड़ी स्टिप पे चढ़ना होता है, इट्स वेरी ट्रबल। आपको थोड़े थोड़े देर चल के 10 से 15 स्टेप लेने के बाद आपको थोड़ा ठहरना होता है टू कैच यू ब्रीथ। तो यही अपडेट है अभी फ़िलहाल, अभी नेक्स्ट अपडेट वाटरफॉल पहुँचने के बाद दे देता हूँ। इट्स नॉट ईजी, घर बैठ गया यूट्यूब पे ब्लॉग देखकर काफ़ी आसान लगता है, पर आसान नहीं है। और वैसे भी कहता है ना कि कहते हैं ना कि एवरीथिंग कम्स विद द प्राइस, तो इसका प्राइस यही है हार्ड वर्क। सो एंड गाइस, फाइनली वी मेड इट, हम पहुंच गए हैं असल वाटरफॉल्स। काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद आखिर पहुँच ही गया यार। अभी थोड़ा मजा लेता हूँ, आप भी देखिए। सम अप नाउ और फिलहाल वापस जा रहे हैं। तो आप इस वाटरफॉल को जाने से पहले और एक बार दिखाना चाहूँगा, मेरे बैकग्राउंड पीछे की देख लीजिए इमीडिएट। हाँ सो गाइस, अभी हमको मिल गया है गाड़ी यहाँ से जाने के लिए। वी आर रियली वेरी हैप्पी। सबकी मुंह में मुस्कान, सबकी मुंह में मुस्कान देख लो, मुस्कान देख, आशिक मुस्कान दिखाई दे ना। आउने दिनहरूमा यो बाटो पिच हुन्छ अरे नि, हाँ। तो गाइस, अभी जस्ट हम लोग पहुँच वापस आ गए वाटरफॉल देख के। और एक अच्छी बात यह है कि हम जब वापस आ रहे थे अभी तो हम चल नहीं पाए थे, बट क्या हुआ कि वहाँ गाड़ी ठीक पड़ा हुआ था वाटरफॉल के ठीक जंक्शन पॉइंट पे, तो उन्होंने हमको ड्रॉप कर दिया यहाँ तक। यार सो नाइस, और पता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सिर्फ हमको ही नहीं, बाकी पर्सन जो हुबे द गाइज आर इन नीड, उनको ऐसे ही हेल्प करते हैं। और इसी शॉप में मैंने कहा हमने एक्चुअली खाने के लिए अरेंज किया है, तो हमारा फूड यहीं से होगा, ठीक है। अगर आप कहते हो कि हमको फूड चाहिए तो लोग अरेंज कर देते हैं, ठीक है। सो नाइस एक्चुअली,
ओके तो अभी खाना खा लेते हैं, आगे मिलते आपको। सो द बेस्ट पार्ट इज दैट कि हमको इन्होंने खाने के लिए इनके किचन पे इनवाइट किया है, ठीक है। खाना खाने हमें विशाल ने ऑलरेडी स्टार्ट कर ही सके, आशिक तुम स्टार्ट कर सके को ओके। हाँ तो गाइज अभी हम नोलडाड़ा की ओर चल चुके हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि हम जब खरबानी से निकले तो मैंने खरबानी से निकलते हुए ब्लॉग नहीं किया बिकॉज रोड जो है वो एक ही है, जिस रोड से हम लोग आए थे वही रोड से हमको वापस जाना था। सो इस वाई मैंने वहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं की। तो जाते वक्त एक्चुअली एक नया रोड है ये हमारे लिए, ओके। इससे पहले मैं कभी राइड नहीं किया हूँ इस रूट पर, ठीक है। और पर ज़्यादातर हिल्स के टेरेन जो होता है वो एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, राइट। ते तो कन्फ्यूज भयो म अब ते तो कन्फ्यूज भयो अब तो दुधै निस्किन्छ है बाटो है त्यसै त्यस हजुर ए ओके ओके बाटो त्यस्तै छ होइन यो त होइन ए यो त अघि मिरिक मिरिक जाने बाटो त हो त्यही बाटो त पऱ्यो त्यसै त्यस्तो दोह्रालो त अब मतलब हामी उल्टा रोड आयौँ। ओके गाइज अभी हम पहुँच गए हैं गाडी धुरा, ठीक है। तो गाड़ी धुरा में फिर से मैं वापस आया हूँ राजू होटल पे। तो अभी हम यहाँ पर रुके चाय ब्रेक के लिए, ठीक है। और आई गेस यही मेरा अपडेट भी रहेगा फाइनल, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ से आगे भी और शाम हो चुकी है तो ब्लॉगिंग क्या करना और राइट। एंड द मेन थिंग इज़ कि गाइस अभी मेरे आते वक्त मेरी वाले रोड से आ गए, ठीक है। तो उसी रोड से गया था तो आप वापस उसी रोड से आ रहा हूँ तो क्या दिखाना। और तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको मालूम है ड्रिफ्ट क्या करना। सो विद दिस नोट गाइज चेक केयर साइनिंग आउट हियर, स्टे पीस, बाय बाय।